क्या से करते हैं, फॉर्मूला एक्सेल में होते क्या है। देखिए कोई भी जो हम फॉर्मूला बनाते हैं, ये जो इसमें पहले से कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये प्री डिफाइंड कैलकुलेशन होती है। मान लीजिए आपको सम करना है, तो सम के लिए आपने खाली वैल्यू पास करनी है और ये कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो कुछ होते हैं आपके प्री डिफाइंड फॉर्मूले, जैसे आपका वी लुकअप हो गया, ठीक है, या सम का हो गया। और सारी कैलकुलेशन जरूरी नहीं आपकी आप इन्हीं प्री डिफाइंड फार्मूला के थ्रू करें। अगर इसमें जो आप नोटपैड पर लिख के कर सकते हैं, वही चीज आप इसमें रेफरेंसेस के बेस पे कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये स्टार और ब्रैकेट्स का यूज करके आप लोग इसमें फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है जी, फार्मूला स्टार्ट जो होता है वो हम कर सकते हैं इक्वल टू से, प्लस से और माइनस से। ठीक है जी, आप इक्वल टू लगा के कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं या प्लस लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला आ जाता है इसमें ऑटो लिस्ट में। और आप माइनस लगा के भी कर सकते हैं फॉर्मूला स्टार्ट। ठीक है, बट माइनस में क्या हो जाता है, आपकी वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाती है, तो माइनस का यूज नहीं करेंगे, या कहीं जरूरत है तो कर लेंगे। तो बेसिकली जो हम यूज कर सकते हैं वो इक्वल टू और प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव भी। ठीक है, तो स्टार्टिंग फॉर्मूला हम जान गए। अब आते हैं इसमें ऑपरेटर्स, बात करें ऑपरेटर्स की बात करते हैं। जब हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करनी होती है, मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू है, इसको मैंने कुछ मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो इक्वल टू लगाऊंगा। सेकेंड चीज जो लेता हूँ इसमें, रेफरेंस लेता हूँ। रेफरेंस होते हैं हमारे एड्रेस। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया B6, मतलब बी कॉलम में सिक्स रो की जो वैल्यू है वो, इसको रेफरेंस कहते हैं या एड्रेस कहते हैं। ठीक है जी, BBMA रेंज कहते हैं इसे। तो ये, और इसके बाद किसी भी रेफरेंस के बाद या टेक्स्ट के बाद कोई भी, ये जो हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये कहलाते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, सेकेंड रेफरेंस लिया कि B6 प्लस C6 कितना हुआ, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो पहले देखते हैं मैथ के ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो है स्टार से करते हैं हम। ठीक है जी, देन एक और होता है पावर का, शिफ्ट करके सिक्स दबाएंगे तो ये कैरेट का साइन आता है, ये आपकी पावर की कैलकुलेशन करने में काम आता है। तो जैसे हम प्लस का, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो हम स्टार लगाते हैं। ठीक है, यहाँ स्टार लगाते हैं तो मल्टीप्लाई करता है। इसी तरह से जब जैसे 12 की पावर 2 क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, ये स्टार की जगह शिफ्ट 6 कैरेट, तो ये पावर दिखाएगा उसकी। 12 को 12 से करेंगे तो 144 आ जाएगा, मतलब 12 की पावर 2 कर देंगे तो 144। तो पावर की कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये होते हैं हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो मैथ ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, सबसे पहला तो इक्वल टू का, ठीक है, देन आपका है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू के लिए ये आपका ग्रेटर देन लेस देन का एक साथ लग जाता है, लेस देन ग्रेटर देन साथ में लग जाता है, ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज होता है।
और नॉट इक्वल टू। अब ये इनका यूज क्यों करते हैं, आपने कभी कभार इफ का फॉर्मूला लगाया होगा जो कि आप लॉजिकल इवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं। किस तरह से, जैसे मैं यहां कोई वैल्यू लिखता हूं और इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं कि फॉर्मूला स्टार्ट अपना इक्वल टू से करेंगे, रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, मैंने पूछा कि ये 23 जो है क्या 12 से बड़ा है, तो E9 ग्रेटर देन F9, तो इसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। अगर होगा ये कंडीशन ट्रू, मतलब ये अगर ऐसा होगा तो ये ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। तो अभी क्या है, ट्रू बड़ा है, मतलब 23 बड़ा है 12 से। मान लीजिए अगर इसमें ये बड़ा हो जाता है तो ये फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये लॉजिकल इवेल्युएशन है। इसी तरह से हम चेक करते हैं इक्वल टू। अब ये है वही इक्वल टू से हमारा फॉर्मूला भी स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे ये एज अ ऑपरेटर रिएक्ट कर रहा है। क्या E9 बराबर है F9 के, बता रहा है फॉल्स, मतलब नहीं है। अगर बराबर हो तो क्या दिखाएगा, ट्रू। ठीक है, इसी तरह से ग्रेटर देन जैसे मैंने दिखाया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए ग्रेटर देन में अगर बराबर होता है तो सिंपल सा सवाल है कि क्या इससे बड़ा है, तो फॉल्स बड़ा नहीं है, पर हम कहते हैं बड़ा है कि बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ट्रू आ जाएगा, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो। ठीक है जी, यहां से इसी तरह आपका लेस देन का साइन है। ठीक है जी, छोटा है नहीं है, फॉल्स आ रहा है, छोटा है या बराबर है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है जी, एक हमारे पास है नॉट इक्वल टू, जिसमें ये दोनों ऑपरेटर साथ में लग जाते। तो नॉट इक्वल टू तब देगा जब दोनों बराबर होंगे। हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, क्या E9 बराबर नहीं है F9 के, इसका रिजल्ट इसने हाँ नहीं में देना है, तो आएगा हाँ बराबर नहीं है। ठीक है जी, अभी आ रहा है बराबर है, तो ये फॉल्स दिखा रहा है। नॉट इक्वल टू मतलब जब बराबर नहीं है तभी ट्रू दिखाएगा। ठीक है जी, अब ये ट्रू फॉल्स का यूज कहां करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा इफ का फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए। इफ के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बताता हूं आपको कि क्या होता है, कि ये इफ का फॉर्मूला हमने लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, पहली चीज मानता है ये लॉजिकल टेस्ट। ठीक है जी, लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए करते हैं। तो यहां लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि हम क्या ये बड़ा है इससे, इस तरह की कंडीशन देते हैं। ठीक है जी, फिर कॉमा लगाते, नेक्स्ट में बोलता है वैल्यू ऑफ ट्रू। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर यहां पे ट्रू आए तो क्या देना है, तो मैंने करना है ग्रेटर। अब देखिए कोई भी टेक्स्ट देंगे जिसकी कैलकुलेशन नहीं होनी है तो उसको हम देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, नंबर हम डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है जी, नंबर डायरेक्टली दे सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, पर टेक्स्ट जब भी आएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। इस तरह से मैंने फीड कर दिया, वैल्यू इफ फॉल्स में मैंने लिखा कि नॉट ग्रेटर, अगर यहां फॉल्स देती है कंडीशन तो ये दिखाएगा, यही होता है आपका फॉर्मूला। मान लीजिए छोटा होता तो ये, अगर बड़ा होता ग्रेटर दे देता, अगर वो छोटा पड़ जाता तो नॉट ग्रेटर देते। ठीक है, इफ का फॉर्मूला बस एक इंटरप्रेटर है इस लॉजिकल कंडीशन का, कि ट्रू फॉल्स के अलावा कोई रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है जी, बहुत लोग क्या करते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये ट्रू फॉल्स के अलावा भी इसको ऐसे भी किया जा सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक टेक्स्ट का ऑपरेटर होता है, एक ही ऑपरेटर है ये एंड का। ठीक है, ये क्या करता है, मान लीजिए अलग अलग सेल में नाम है, अब मुझे एक ही सेल में चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही में डालना, तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, ये रेफरेंस सिलेक्ट किया और फिर मैंने कहा कि जैसे ऑपरेटर देना है और देन ये नेक्स्ट रेफरेंस, तो इसने एक ही सेल में मुझे दिखा दिया। ठीक है जी, अब मुझे चाहिए बीच में एक स्पेस चाहिए,
तो जैसे हम करते हैं ना ई वन प्लस एफ वन प्लस एच जी वन ऐसे करके करते जाते हैं, प्लस प्लस लगाते जाते, इसी तरह से इसमें भी एंड एंड लगाते जाना है जब हमें वो करना है। तो बीच में स्पेस चाहिए तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं स्पेस दूंगा और फिर से एंड लगा दूंगा। ठीक है जी, कुछ भी बीच में डालना है तो मैं ऐसे करूंगा। मान लीजिए मुझे कुमार बीच में लिखना था तो मैंने कुमार दे दिया और आगे पीछे स्पेस भी ले लिया क्योंकि वहां पहले से तो स्पेस है। तो इस तरह से एक ही सेल के अंदर मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, मान लीजिए बहुत सारे नाम है एक साथ मिस्टर लगाना है तो इस तरह के से कर सकते हैं आप। इन्वर्टेड कॉमा में मिस्टर दे दिया, स्पेस करके एंड लगा दिया और ये यहाँ से सिलेक्ट किया, ये इसको ड्रैग करते जाइए, जितनी बार भी करेंगे वो आता जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से इसका यूज हो सकता है टेक्स्ट ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर जो होते हैं हमारे इतने ही तरह के होते हैं जो कि एक्सेल में चलते हैं। अब फॉर्मूला को समझते हैं थोड़ा सा। पहले आते हैं हम अपने लॉजिकल फंक्शन को। फॉर्मूला का आपके पास एक टैब है जिसके अंदर लॉजिकल फंक्शन कुछ अवेलेबल है। तो सबसे पहला फॉर्मूला था इफ का। इफ का फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया कि जैसे यहां पे मेरे पास कुछ वैल्यूज है, और मेरी सिंपल सी कंडीशन है जो 50 से बड़ी हो उस पर ओके दिखा दे, बाकी को नॉट ओके दिखा दे। ठीक है जी, मैं क्या लगाऊंगा, एक इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा इसके, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो आएगा। ट्रू फॉल्स अगर करना है मुझे कंडीशन कैसे सेट करूंगा, ये मैंने सिलेक्ट किया कि क्या इज ग्रेटर देन 50। डायरेक्टली जब मुझे देना है तो मैं डायरेक्ट नंबर ऐसे दे सकता हूँ। ठीक है जी, तो ट्रू फॉल्स तो मेरा आ ही रहा है। ठीक है जी, जहां ट्रू आ रहा है वो 50 से बड़े। ठीक है जी, अब इसकी जगह मुझे फिट करना है कि ओके और नॉट ओके आए, तो या तो मैं इसके अंदर इसका लिंक दे सकता हूँ, ये रेफरेंस दे दिया, क्योंकि ट्रू फॉल्स ही चाहिए होता है लॉजिकल टेस्ट में। तो अगर उसे वहां से मिल जाता है तो एक कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं कि क्या ये इक्वल टू ट्रू है, ऐसा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कर दिया ओके अगर ट्रू आता है तो, और यहाँ नॉट ओके। इसको ड्रैग कर दिया नीचे तक, तो इसने क्या है रिजल्ट दिखा दिया हमारा, 50 से बड़ी वैल्यू उसके आगे ओके ओके कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं दो लाइनें जो खराब करूं इसके लिए, एक ही में आना चाहिए। तो इसके लिए क्या कीजिए, जहां आपने लिंक यूज किया आप जब भी इस पे F2 दबाएंगे, एडिट मोड पे जाएंगे तो लिंक दिखाएगा चीजों। ठीक है जी, तो ये लिंक खत्म करना है मुझे, एक में जाना है B1। मैं चाहता हूं कि लॉजिकल कंडीशन इधर होनी चाहिए, क्या करेंगे इक्वल टू से पहले तक कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया, यहां चला गया जहां मैंने रेफरेंस दिया था, जहां मैंने B11 यहां आ रहा है इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, अब इसको ड्रैग कर दूंगा। अब एक और चीज होती है, अब मैं देखूंगा कि इसमें अब इस पे F2 दिखा रहा हूं तो इससे कोई मतलब नहीं दिखा रहा, यानी कि अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो कोई इस पर मेरे फॉर्मूला पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, पर इसमें एक चीज है, अब मैं क्या करता हूं इसको कॉपी करके यहां लगा देता हूं, फॉर्मूला कॉपी करके मैंने इधर पेस्ट कर दिया, पर ये एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, कहीं और पेस्ट करता हूं तो देखिए क्या होता है। जब मैं F2 दबाता हूं तो इसने जो रेफरेंस ले रखा है ये मेरे इसका ले रखा है, जो मेरे डेटा का होना चाहिए उसका रेफरेंस ले रहा है, सही ले रहा है। तो जब मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो ये रेफरेंस बदल गया, मतलब जितने सेल मैं आगे पेस्ट किया था उतने सेल आगे आ गया। मैं चाहता हूं कि ये इस तरह से ना हो, ये जब भी कॉपी पेस्ट करेंगे ऐसा ही होगा। ठीक है जी, इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपका फॉर्मूला जहां भी होता है उसे कट करके उठाना पड़ता है, कंट्रोल X करके उठाइए इसे कट करके और फिर पेस्ट कीजिए। उस केस में क्या होता है, इसका रेफरेंस चेंज नहीं होता। अगर मैं इसको यहां से कट करके कहीं और भी पेस्ट करूंगा तो इसका लिंक जो है वो यही बना रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये एक इजी वे है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट करके क्या रिजल्ट दिखा रहा है उसको देखने के लिए हमारे पास
क्या होता है, आपने जैसे यहाँ फॉर्मूला सिलेक्ट कर रखा है, अपने पास एक इवेल्युएट फॉर्मूला का वो होता है, ठीक है जी, ऑप्शन होता है फॉर्मूला टैब के अंदर। इवेल्युएट फॉर्मूला क्या दिखाता है, जैसे ही आप इवेल्युएट दिखाएंगे पहले तो फुल फॉर्मूला दिखा देगा, इसने कैलकुलेट कैसे कैसे किया वो उसके स्टेप दिखाता है। इवेल्युएट करेंगे तो इसने वैल्यू उठाई 27 ग्रेटर देन 50, ट्रू फॉल्स का रिजल्ट आया, फॉल्स के केस में नॉट ओके पे जाना था इसे, तो ये नॉट ओके आ गया, ठीक है। इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे फॉर्मूले शीट में लगा रखे हैं, आपको पता नहीं कि कौन सी शीट में कहाँ फॉर्मूला लगा रखा है, कौन सी आपने डायरेक्ट एंट्री की है, कौन सा फॉर्मूला है नहीं पता पता, तो यहाँ पे एक आपके ऑप्शन है शो फॉर्मूला। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जिस जिस सेल के अंदर फॉर्मूला होगा वो आपको दिखा देगा इस तरह, ठीक है, जैसे जहां जहां फॉर्मूले पड़े हैं वो आपको दिखा देगा। तो दोबारा क्लिक करेंगे वापस नॉर्मल हो गया फॉर्मूला, इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन, इसकी चेक करना। एक तो मैंने बताया कि इवेल्युएट फॉर्मूला के ऑप्शन पे जा सकते हैं, दूसरा जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे टूल टिप आती है, जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये हर एक ऑप्शन में क्या क्या वैल्यू दी है आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए ये कुछ कैलकुलेशन स्टेप थे, आप इनको देखना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप क्या दबा सकते हैं, F9 दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पे कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन है, F9 इसी का शॉर्टकट, तो ये क्या करेगा, इसको कैलकुलेट कर देगा यहीं के, यहाँ कर दिया जितना सिलेक्टेड होगा कैलकुलेशन, पूरे को सिलेक्ट करके अगर मैं करूं और कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन कर दूं तो ये पूरे का रिजल्ट मुझे करके दिखा दे। बट इसको कभी भी एंटर प्रेस करके बाहर मत आइए, अगर एंटर प्रेस करके आ गए तो इस पे जाएंगे तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं दिखेगा आपको, यहाँ वो वैल्यू ही बच चुकी है, फिक्स हो गई। तो इसीलिए क्या करना है, जब भी बाहर आए एस्केप का बटन दबा के आए। मान लीजिए आपने यहाँ कैलकुलेट करके देखा है F9 प्रेस करके, तब एस्केप दबा के बाहर आए ताकि उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला ट्रिक्स हैं इनको चलाने की, आगे देखते हैं अपने लॉजिकल फॉर्मूला में। और इफ का फॉर्मूला मैंने बताया कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, लॉजिकल कंडीशंस के बेस पे होता है। अब मान लीजिए एक कंडीशन आपको देता हूं, जैसे कुछ आदमी लोग हैं, कुछ इन लड़के हैं और एक कंपनी में इनका इंटरव्यू हुआ, ठीक है जी, इंटरव्यू हुआ तो इनके राउंड हुए, दो तीन राउंड हो गए, तीन राउंड का इंटरव्यू हुआ। अब इसमें क्या है, किसी में वो सिलेक्ट हुए किसी राउंड में, किसी में नहीं हुए, तो मैं YN करके एंट्री कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि यहां आज मुझे इसका रिजल्ट दिखाना, ठीक है जी। रिजल्ट क्या दिखाना है कि जो तीनों राउंड में जो लड़के पास हुए हैं, यानी कि बाई मिला है, यानी यस मिला है, उनके आगे आ जाए सिलेक्टेड और बाकी के आगे आ जाए रिजेक्टेड। तो मान लीजिए इसके लिए आपको इफ का फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर देखिए इसको क्या करेंगे। एक यहाँ मैंने क्या किया, पहले इसको चेक किया कि ये इक्वल टू बाई है, ठीक है जी, फिर यहाँ दूसरे को चेक किया क्या ये इक्वल टू बाई है, मैं इसको ड्रैग भी कर दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इसका लिंक जो है ये आ गया, क्या ये इक्वल टू बाई है, ठीक है जी। अब कंडीशन ये बनती है कि जब तीनों में ट्रू आए, तीनों में जब ट्रू आए तो ही वो मेरे को रिजल्ट में सिलेक्टेड दिखाए। तो तीन कंडीशन अलग अलग हुई। अब मैंने क्या करना है, इफ की कंडीशन पे सेट करूंगा, इफ अगर ये ट्रू है तो क्या करे, एक बार ये चेक करेगा क्या ये इक्वल टू ट्रू है, एक बार इफ वैल्यू ट्रू में ही चल रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रू आया तो इसके ट्रू में क्या देना है, एक और इफ का फॉर्मूला, क्या ये इक्वल टू ट्रू है,
ट्रू वैसे कर लेते हैं। अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, सिलेक्टेड, अदरवाइज क्या आना है वैल्यू इफ फॉल्स में, रिजेक्टेड। इस तरह के फॉर्मूला को कहते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। अब मैंने एक इफ पूरा किया है, यहां पे क्लिक करूंगा, इसके इफ के अंदर क्या है, लॉजिकल टेस्ट दे दिया, वैल्यू इफ ट्रू में इफ का पूरा फॉर्मूला है, तो वैल्यू इफ फॉल्स में भी कुछ चाहिए इसको, अगर यहां पे इसे नहीं मिलता तो रिजेक्टेड, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज किया, अब तीसरा लास्ट वाला हमारा रह गया इसके भी फॉल्स में, क्योंकि यहां तक देखेंगे तो ये वैल्यू ऑफ ट्रू का है, वैल्यू ऑफ फॉल्स में कुछ नहीं, फॉल्स में फिर से मैं दे देता हूँ रिजेक्टेड। इस तरह से मैंने एक फॉर्मूला बनाया और इसको ट्रैक कर लेता हूं नीचे, तो रिजेक्टेड सिलेक्टेड का मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। पर ये इसके लिए मैंने चार वो यूज किए। अब देखिए इसको एक में करना है, इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने देता हूं ताकि आप फॉर्मूला का रेफरेंस देख सकें। यहाँ पे चेंजेस करता है, अभी हम क्या है कि इसमें F2 कर रहे हैं तो इन तीनों का रेफरेंस आ रहा है, पहले मुझे इन तीनों के रेफरेंस हटा दें। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे इक्वल टू से पहले कॉपी करेंगे और यहां पे जहां रेफरेंस यूज होगा E32, ये रहा, इसकी जगह करना है पेस्ट। देखिए बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने का जो शॉर्टकट है वो ये है, जैसे मैं करता हूं, अब देखेंगे इस पे से लिंक हट गया है खाली इन दोनों पे, तो मुझे ये वाला करना है कॉपी, इक्वल टू से पहले कॉपी किया और इसमें गया जहां पे भी F32 है, F32 को मैंने सिलेक्ट किया और उसकी जगह पे पेस्ट कर दिया। अब इसका भी रेफरेंस हट गया, इसका देखना इक्वल टू से पहले, और जहां मैंने ये यूज किया होगा G32 वहां पे, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर लेता हूं इस फॉर्मूले को, ठीक है जी। अब मुझे अब देखूंगा तो इनके कोई भी यहाँ पे कोई काम नहीं, तो इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ और इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला ने ये काम किया, ठीक है जी। बट इतने आसान तरीके के बाद भी अभी भी ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। इसके लिए इजिएस्ट वे क्या, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर एक कंडीशन ट्रू हो तभी जाना है, क्योंकि हर एक के इफ में हम ट्रू ट्रू में गए थे, इसके ट्रू में गए, फिर इसमें यहाँ के ट्रू में गए, फिर इस वाले फॉर्मूले के ट्रू में गए, तब सिलेक्टेड किया, मतलब सबने ट्रू ट्रू आया तब सिलेक्टेड किया, बाकी में अपना रिजेक्टेड किया। तो कहने का मतलब ये है तीनों में ट्रू हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड का, ठीक है जी। एंड का फॉर्मूला क्या करता है, एंड का फॉर्मूला लिया मैंने और उसके अंदर लॉजिकल कंडीशन में बारी बारी से दे सकता हूं, क्या ये इक्वल टू वाई, कॉमा लगा के दूसरी कंडीशन, कितनी भी मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, एक कितनी भी, एक से ज्यादा कितनी भी दे सकते हैं। तो क्या मैंने सबको दिखा दिया मैंने कि क्या ये इक्वल टू वाई, ठीक है जी। देन मैंने क्या किया, इसको ट्राई किया इस फॉर्मूले, अब इसमें देखेंगे मेरे इस रिजल्ट से मैच हो रहा है, ट्रू वही आ रहा है जहां उसे आना चाहिए, यानी कि जब तीनों में ट्रू हो, तीनों कंडीशन जब ट्रू रिटर्न करती हैं, जब तीनों में ट्रू आता है तो एंड का फॉर्मूला ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है, ठीक है। इसका बेसिक नेचर है, एंड का मतलब है सारी कंडीशन आप पहले रिसीव करें, सारी कंडीशन को रिसीव करें, उसको चेक करें वो ट्रू है तो आगे ट्रू पास करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ट्रू मेरे को इतनी आसानी से मिल गया, तो मैं इफ का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट लिंक दे दूंगा और यहाँ पे सिलेक्टेड रिजेक्टेड डायरेक्ट दे सकता हूँ कि अगर यहाँ ट्रू आए तो यहाँ सिलेक्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड, ठीक है जी। तो मेरे पास सेम रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। अब इसको कंबाइंड करना है तो क्या करना है, इक्वल टू से पहले वही अपना पुराना फॉर्मूला कॉपी किया
और ये क्या है F32, यहाँ पे F32 की जगह पे मैंने इसको पेस्ट किया। तो ये फॉर्मूला भी आसान है, समझने में भी आसान है, इसका वे भी आसान है, ठीक है। तो ये मेरा एक सेल में इसका आंसर आ गया। अब अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है जी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, एंड के फॉर्मूला में। चलिए फिर आगे चलते हैं, और का फॉर्मूला मान लीजिए यही लोग गए वोटर आई कार्ड बनाने, कुछ बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, इनका अकाउंट खुलना है। तो बैंक वाले ने कहा कि या तो आप वोटर आईडी दे दो मुझे, या ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, और कुछ भी नहीं है तो पैन कार्ड दे दो। पर एक डॉक्यूमेंट, इनमें से एक डॉक्यूमेंट उसके पास होना ही चाहिए। तो इफ का फॉर्मूला भी मैं लगा सकता हूँ, फॉल्स में कोडिंग करके लगा सकता हूँ, ठीक है जी। और मैं आपको कंफ्यूज ना करते हुए डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ कैसे होगा ये। हमारे पास एक और का फॉर्मूला, हमने बोला तीनों में से एक में भी यस होगा, ठीक है जी। यानी कि तीनों कंडीशन में से एक भी अगर ट्रू आएगी तो और का फॉर्मूला ट्रू रिटर्न करेगा, डायरेक्ट और का फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। और का फॉर्मूला क्या ये इक्वल टू वाई, क्या ये इक्वल टू वाई, क्या ये इक्वल टू वाई, ठीक है जी। तो इसमें दो में था तो भी ट्रू है, फॉल्स ये वहीं देगा जहां कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है जी। बाकी सिलेक्टेड रिजेक्टेड आप अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं ये इफ का फॉर्मूला बनाऊं तो लंबा बन गया, इफ के फॉर्मूले में अगर मैं बनाने लगूं तो क्या ये इक्वल टू वाई, पहले चेक करूंगा, अगर है तो क्या दे देना है मुझे सीधा ओके, और नहीं है तो अगले को चेक करना है क्या ये इक्वल टू वाई है, अगर है तो ओके दे देना, नहीं है तो फिर एक बार चेक करना है क्या ये इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो फिर से ओके दे देना है, नहीं है तो अब कोई गुंजाइश नहीं है, तीनों चेक कर चुके हैं, यहाँ पे दे सकते हैं हम नॉट ओके, ठीक है। ब्रैकेट सबके बंद कर देंगे, ओके नॉट ओके, ये इफ के फॉर्मूला, ठीक है। तो और का फॉर्मूला ऐसे रिएक्ट करता है। कई बार क्या होगा कि ऐसी ऐसी कंडीशन आएंगी आपको दोनों लगाने पड़ेंगे, एंड और मान लीजिए यही सिनेरियो ले लेते हैं, इसी तरह का सिनेरियो ले लेते हैं, और इसमें क्या कर देते हैं, पैन कार्ड और राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मान लीजिए कि आपके यहां पे जो है ये आईडी प्रूफ है, हालांकि मुझे पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, ये खाली आईडी प्रूफ है, और यहाँ पे कर देते हैं एड्रेस प्रूफ, यही तो दोनों होते हैं। कई बार आपसे मांगते हैं ना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दीजिए, तो ये मान लीजिए आईडी के ऑप्शन है मेरे पास, एक वोटर आईडी है और एक आधार कार्ड मान लेते हैं, और एड्रेस प्रूफ में हम मान लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड, ठीक है। अब उसमें से चाहिए, उसमें से उसकी डिमांड है कि एक आईडी प्रूफ दो और एक एड्रेस प्रूफ दो,
तो अब कंडीशन क्या है कि इसको कंप्लीटली नो कर दो। इसमें कंडीशन क्या बोल रही है कि या इन दोनों में से एक हो और इन दोनों में से एक हो, पर इन दोनों में से दोनों चाहिए। तो क्या बन रहा है कि आपका चार कंडीशन लगेगी, ये दोनों जाएंगी और में, ये दोनों जाएंगी और में, और ये जो और दोनों के आएंगे वो आएंगे दोनों के दोनों एंड के अंदर। कंडीशन कैसे बनेगी, क्या ये इक्वल टू वाई, ये डायरेक्ट और के अंदर लगा लेते हैं, एक ये हो गया और इसको भी चेक किया कि आया कि ये इक्वल टू वाई, तो दोनों में से एक हो तो ट्रू फॉल्स आ जाए अपने पास। इसी तरह से यहां पे और लगा लेंगे कि इन दोनों में क्या ये इक्वल टू वाई, क्या ये इक्वल टू वाई, इन दोनों में से निकल गया, हमने इन दोनों के लिंक के ऊपर एंड लगा दिया, ये कॉमा। तो जब दोनों में ट्रू होगा तब ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो कुछ इस तरह से कंडीशन हमारी फिट होगी, ठीक है जी। फिर वही इफ का फॉर्मूला, ट्रू है तो ओके और नहीं है तो नॉट ओके। अब इस फॉर्मूला को मैं जरा कंबाइंड करके दिखा दूं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जानते हैं स्टार्टिंग यहां से हुई थी, यहां ठीक है, एंड के फॉर्मूला में पहले मुझे डिफरेंस बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसको बदल दूंगा या तो फिर इसमें जाके बदलने होंगे। तो बेटर वे कहता है कि सेकंड लेवल से शुरू करते हैं, सबसे रूट से शुरू करते हैं। तो एंड से शुरू करता हूँ F63, तो F63 यहां से पकड़ा मैंने, यहां से कॉपी किया और एंड में जाके F63 में यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। एक लिंक खत्म हो गया, अब फिर यहाँ से दूसरा पकड़ा मैंने, कॉपी किया और यहाँ G63 जहाँ वहां जाके पेस्ट कर दिया। अब इस पूरे फॉर्मूला को उठाया इक्वल टू से पहले और ये उठा के जहाँ H63 है वहां जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। पूरा फॉर्मूला बन गया, इसको नीचे तक ड्रैग किया, कंट्रोल एक्स करके डाल दिया या यहां डाल देते हैं एक्स करके, हाँ रिजल्ट में यहां डाल दिया, बाकी किसी की मुझे जरूरत नहीं। तो इस तरह से आप कंडीशन को बिल्ड कर सकते हैं, बड़े फॉर्मूले बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले। ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, दो चार फॉर्मूले और हैं लॉजिकल के अंदर। इसके अंदर मैंने आपको बताया इफ का फॉर्मूला, एंड का फॉर्मूला और का फॉर्मूला। नॉट क्या करता है, नॉट रिजल्ट को रिवर्स करता है और कुछ नहीं करता, मतलब ट्रू की जगह फॉल्स कर देगा, फॉल्स की जगह ट्रू कर देगा। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगाऊ तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, जैसे नॉट इक्वल टू वाला काम कर, ये बस रिजल्ट को उलट देगा आपको, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। इसका यूज कहां कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वैल्यू जो है वो ट्रू में ही एक्सेप्ट करता है कि जब ट्रू हो तब कलर करूंगा, पर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि आपको फॉल्स आ रहा है तब कलर कराना है, उस जगह पे आप नॉट का फॉर्मूला कर सकते हैं वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए, ट्रू की जगह फॉल्स कर देगा, फॉल्स की जगह ट्रू कर देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, जैसे कभी हमारे पास एरर आती है, इस तरह की एरर आई या वी लुकअप में एरर आई, तो
तो हमें पता है कि वैल्यू एरर आनी है, तो उस जगह हम इफ एरर यूज करते हैं। इफ एरर का फॉर्मूला में दो पैरामीटर आते हैं, वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। अगर आपने जो फॉर्मूला लगाया है उसमें कोई एरर आ रही है तो उसकी जगह क्या आना है आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहे खुद से दे दूं, कस्टम कुछ भी लिख के दे सकता हूँ। मैं कह देता हूँ एरर, ठीक है। अगर एरर हो तो एरर दिखाए और नहीं तो वो वैल्यू दिखाए, ठीक है। कई बार मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले के अंदर ही बिल्ड करूंगा, जहां पे भी वो एरर आ रहा है वहां फॉर्मूला से पहले ये लगाता हूँ। कई बार क्या होता है मैं कुछ भी नहीं देता, बस डबल इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ, बीच में स्पेस भी नहीं, उसका मतलब होता है ब्लैंक। कि अगर वहां वैल्यू आए तो ठीक है, पर अगर एरर आ लेती मान लीजिए तो वहां पर ब्लैंक दिखाए, ठीक है जी। जैसे इसका आपको एक सैंपल दे देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यूज है कुछ, मान लीजिए इसमें मुझे डिवाइड करना है और ये वैल्यूज चेंज होती रहती है, फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया, डिवाइड कर दिया मैंने, कोई भी फॉर्मूला लगाया। तो आपको पता है जीरो से जब डिवाइड करेगा तो एरर ही आएगी, ये वाली एरर आती है जब जीरो से डिवाइड होगा। तो इससे पहले, इस कैलकुलेशन से पहले मैं इफ एरर लगा सकता हूँ। इफ एरर में वो वैल्यू की जगह वो फॉर्मूला दे देंगे, और फॉर्मूला में कोई एरर आती है तो मैं इसमें कर देता हूँ ब्लैंक, ठीक है जी। अब इसको ड्रैग करता हूँ, क्या आ रहा है कि जब तक जहां वैल्यू आ रही है वैल्यू आने देगा, जहां कुछ नहीं आ रहा वहां ब्लैंक कर देगा। अगर वैल्यू आ जाती है इसमें वैल्यू दिखाएगा, तो इसका यूज इसीलिए करते हैं कि हमारी मतलब शीट बद्दी सी ना लगे, ऑटोमेशन में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो फॉर्मूले और हैं, ट्रू फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स खाली ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं, ठीक है। वैसे भी ट्रू लिखेंगे तो ट्रू देते हैं, ठीक है सर। तो ये था आज का टॉपिक आपका फॉर्मूला इंट्रोडक्शन। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला की कुछ डिटेल्स बताई, आगे भी बताता रहूंगा, ठीक है। कल हम करेंगे वही वाला प्रोजेक्ट अपना, कंडीशनल फॉर्मेट, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास ओवर होती है। आनंद साहब मैं आपको भेज देता हूँ फाइल, ठीक है। ओके सर, ओके।